जिम में तुम्हारा स्वागत है ऐश, और ऑरेंज लीग विनर ट्रॉफी मैच में भी मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। तुम कमाल के ट्रेनर होंगे ऐश जो यहाँ तक पहुँच पाए। मुकाबले के लिए तैयार हो? हाँ। शॉक दिया, फिर भी पिकाचू लड़ने के लिए तैयार। पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो।
शॉक देने वाली पूंछ ने जीजो का हाल बेहाल कर दिया। जीजो लड़ नहीं पा रहा है, पिकाचू ये मैच जीत गया। पहली मैच जीती है चैलेंजर एश कैचम और पिकाचू ने। क्या बात है, मुझे पता था पिकाचू उस जीजो को हरा देगा। ओह मैं समझ गया, जीजो भले ही अटैक्स की नकल उतारता हो पर वो उसकी बेसिक फिजिकल कंडीशन नहीं बदल सकता। पिकाचू की फिजिकल कंडीशन बेहतर है इसलिए जीजो उससे पिछड़ गया। वापस आओ, तुमने अच्छा काम किया और ऐश तुमने भी, पर मेरा दूसरा पोकेमॉन तुम पर भारी पड़ेगा। ड्रेक ने अपने दूसरे पोकेमॉन के तौर पर ओलिक्स को चुना है जो है एक रॉक टाइप पोकेमॉन। देखते हैं ऐश क्या चुनता है। आज के लिए लड़ाई बहुत हुई पिकाचू। चैलेंजर अपने पिकाचू को वापस बुला रहा है ताकि वो आराम कर सके। रॉक टाइप पोकेमॉन के खिलाफ मैं तुम्हें चुनता हूँ। ऐश के लिए आसान मौका था, उसे चुनना है स्कटर को ऑनिक्स के खिलाफ। मुझे लगा था वो उसे ही चुनेगा। मुझे नहीं पता मिस्टी, इसमें शायद ड्रेक जीत सकता है। चलो स्क्वाडी जाओ और जाकर वाटर पोकेमॉन का लाल राशन करो। टाइप को देखें तो स्कटर के पास एडवांटेज है पर ऑनिक्स भी कुछ कम नहीं है। Yeah.
पोकेमॉन चुनना ही होगा। किंगकार को रोकने का कोई तरीका तो होगा, शायद आइस बीम से बात बन जाए। मैं तुम्हें चुनता हूँ। अच्छा मूव ऐश, ऐश ने चुना है लैप्रस को। किंगकार हिप्नोसिस का इस्तेमाल करो। होगा किंगर या फिर लेपरस, देखिएगा हमारे अगले एपिसोड में।